हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड एक्सपो। आज की जो रेसिपी है वो है भोग वाली खिचड़ी, जो अक्सर हम दुर्गा पूजा में पंडाल में खाते हैं। शायद ही मैं आज तक किसी से मिली हूँ जिन्हें पंडाल में मिलने वाली जो भोग है वो किसी को पसंद ना आई हो। भोग वाली खिचड़ी का अपने आप में ही एक अलग ही स्वाद और फ्लेवर होता है। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही खिचड़ी बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक कप मूंग दाल लिया है। मैं यहाँ पे पीला मूंग दाल यूज़ कर रही हूँ। इसे रोस्ट करने के बाद हमें सोक करना है। मूंग दाल के साथ मैं यहाँ पे एक कप चावल लूँगी। एक कप चावल और एक कप मूंग दाल हमें दोनों समान मात्रा में भिगो के रखना है। एक घंटे के लिए हमें सोक करना है। फिर उसके बाद हमें खिचड़ी की प्रिपरेशन करनी है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाए उस पर एक बड़ा चम्मच हमें सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करना है। सरसों के तेल में ये जो भोग वाली खिचड़ी है ये बहुत ही शानदार बनती है। तो एक बड़ा चम्मच हमें यहाँ पे सरसों का तेल लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, सबसे पहले हमने बारीक काट लिए हैं ये आलू। ये मैंने दो बड़े आलू लिए हैं। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए इसे फ्राई करना है। जैसे ही आलू फ्राई हो जाए फिर हम इसे अलग कर लेंगे। इसी तरह हमें फूल गोभी को भी काट लिया है। आधी फूल गोभी मैंने यूज़ की है। फूल गोभी को काट कर हमने इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करना है। आप इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए और फ्राई करके उठा लीजिए। खिचड़ी को मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच सरसों के तेल लिया है। सरसों का तेल लेने के बाद यहाँ पे मैंने दो सूखी लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च को हमें एक मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे दो बड़े चम्मच मैंने जीरा यूज़ किया है। एक मिनट के लिए जीरा को हमें पका लेना है। जीरा और मिर्ची जैसे ही पक जाए इसमें मैं ऐड करूँगी गोभी के डंठल। ये ऑप्शनल है, आप गोभी का डंठल इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर एक आता है। इसे दो से तीन मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से पकाना है। जैसे ही दो से तीन मिनट बाद ये पक जाए इसमें हम दो बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अदरक का दो बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसे वापस से हमें दो तीन मिनट के लिए वापस से चलाना है। इस टाइम पर आप आँच को मध्यम रखिएगा और अच्छी तरीके से पकाइए। साथ ही मैं यहाँ पे दो टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को अच्छी तरीके से हमें बारीक काट के ऐड करना है और इसे वापस से हमें तीन से चार मिनट के लिए पकाना है, जब तक टमाटर इसमें गल ना जाए। आप देख सकते हैं टमाटर इस पॉइंट पे गल चुका है और हमारे इसमें जो गोभी के डंठल है वो भी पक चुके हैं। अब इसमें मैं एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ। इसमें सिर्फ जीरा, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ही हम ऐड करेंगे। अब जैसे ही हमने इस मसालों को ऐड कर लिया है इसे हमें वापस से दो से तीन मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक का उपयोग करें। मैं यहाँ पे दो चम्मच सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। इसे वापस से हमने मिक्स करके एक से दो मिनट के लिए पकाना है। खिचड़ी का ये मसाला तो रेडी है। अब इसमें हमें भिगोए हुए चावल और दाल को ऐड करना है। चावल और दाल को ऐड करने के बाद इसे हमें तीन से चार मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ लगभग तीन से चार मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है। यहाँ पे पूरा पानी भी सूख चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप मटर। ये यहाँ पे मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस पर हमें डबल पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एक कप दाल, एक कप चावल लिया है, तो यहाँ पे चार कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम प्रेशर कुक कर देंगे। यहाँ तीन सीटी लगा देना है हमें। 10 से 15 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे। उसके बाद गोभी आलू जो हमने फ्राई करके अलग रखे थे उसे ऐड मैंने इस तरीके से कर लिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप डेढ़ कप पानी वापस डालिए और दो सीटी वापस से लगाना है।
दो सीटी लगाने के बाद वापस हम इसको उतार लेंगे ठंडा होने के बाद। फिर इसको आप सर्व करें, चाहे टमाटर खजूर की मीठी चटनी हो, पापड़ हो, आलू का चोखा हो, जिसके साथ आप खाना पसंद करें उस तरीके से इसे सर्व करके इसका मज़ा लें।